भारतीय आदिम जनजाति परिषद के बैनर तले विभिन्न प्रखंडों से आदिवासी समाज के लोग गुरुवार के दिन जिला मुख्यालय पहुंचकर कल्याण विभाग कार्यालय का घेराव कर विभागीय पदाधिकारी सुभाष कुमार पर मनमानी और सरकारी राशि की गबन करने का आरोप लगाया और विरोध स्वरूप जमकर नारेबाजी की। चैनपुर प्रखंड में धूमकुड़िया हाउस निर्माण की स्वीकृति रद्द करने सहित अपनी 13 सूत्री मांगों के समर्थन में शिवाजी मैदान में आदिवासी समाज के लोग जमा होकर जुलूस की शक्ल में जिला मुख्यालय के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरे और गगनभेदी नारे लगाते हुए जिले भर में संचालित कल्याणकारी योजना राशि के कथित लूट की न्यायिक जांच कराने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि डाक के माध्यम से 35 किलोग्राम अनाज आदिम जनजातियों को दिए जाने की योजना सुदूरवर्ती क्षेत्रों में फेल होती नजर आ रही है। इस बाबत एक मांग पत्र महामहिम राज्यपाल के नाम भेजा गया। हमारा कि जो झारखंड सरकार का जो निर्णय है डाकिया योजना, भारतीय आदिम जनजाति जो हम लोग डाकिया योजना को नहीं चाह रहे हैं, इसलिए कि सील बोड़ा या सील पैक नहीं होता है, खुला होता है, इसमें सरकार के लोगों के घपला करने में आसानी होगा, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह पूर्व से मिलते आ रहा है हमारा, उसी तरह से प्रखंड मुख्यालय में ही अनाज मिले। यही मुझे कहना है कि प्रखंड मुख्यालय में जिस तरह पहले से मिलता था उस तरह से मिलते आए। और एक हमारी कहना है कि जो हमारे आदिवासी आदिम जनजाति के नाम पर पूरे कल्याण पूरे झारखंड सरकार चल रही है, जिसमें बड़े बड़े के लोगों के हाथों से ठेकेदारी प्रथा में लूटने का काम बंद करें। मैं इसके विरोध में आज जो है से पलामू जिला कार्यालय को घेरा हूँ।